हेलो दोस्तों, भूकंप आया, भूकंप आया, इधर भी आया, उधर भी आया, उधर भी पलटे, इधर भी पलटे। क्या सच में भूकंप आया या बस स्टेटस स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर कोई बस एक ही कमेंट लगा रहा है कि फिर से भूकंप आया। क्या सच में भूकंप आया? तो चलो। अरे भाई भाई भाई, सच में कह रहा हूँ, मेरी तो हालत खराब हुई है, फिर से हालत खराब हुई है मेरी। मैं उस रात को नहीं भुलाऊँ अभी तक, वो 9 तारीख की वो रात। हाय रे, मेरे दिन का आखिरी जो मेरी रात थी ना, वो मेरी आखिरी रात थी। सच में कह रहा हूँ, मैंने सोचा सच में यमराज आ गए हैं, मुझे ले गए हैं। अरे मेरी मतलब जो चारपाई थी, मेरा बेड था, ऐसे उठा, मैंने सोचा कि ले भाई, मैं तो यमराज जी आ गए हैं, अब चलो चलते हैं। उन्होंने कहा चलो, चार यमराज दिख रहे थे मुझे सपने में। चल भाई तू अब बोल, ब्लॉग व्लॉग तेरे बस की कुछ नहीं है, यहाँ बना ना हमारे साथ चल, तो और हम ब्लॉग बनाएंगे अब ऊपर आसमान में उन तारों के साथ। मैं भी खुश था भाई, मैं तो झूलते झूलते जा रहा था, मैं क्यों ना चाहूँ उनके साथ। मैंने सोचा सही है, मेरे साथ चार यमराज है, मैं भी चल दिया भाई वहीं को। लेकिन यार वो गहरी नींद के बाद जैसे ही मैं सुबह उठा, तो मुझे जैसे मैंने फोन को पकड़ा, मैंने सोचा मैं तो यमराज के पास पहुंच गया था, मैं यहाँ कहाँ से आ गया। फोन में जैसे ही देखा कि अरे भूकंप आया, अरे भूकंप आया, अरे भूकंप आया, अरे ये तो रात में भूकंप आया था। मैं तो सोच रहा हूँ यमराज मुझे उठा के ले गए हैं। तो मैं गया फिर ऐसे ही टहलते पहलते गया गाँव में, मैंने सोचा क्या सच में भूकंप आया था क्या। पूछा तो हर किसी ने कहा अरे यार मैं तो यहाँ गया, मैं वहां गिरा, मैं वहां गिरा। अरे मैंने कहा मेरा बेड भी तो उड़ा, मैं भी तो आसमान में उड़ा। तो आज फिर भाई फिर और भूकंप आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी तो ब्लॉग बनाना जरूरी है, और मैं कल आपके बीच जरूर पब्लिक रिव्यू भी करूंगा, जिसमें कि उस भूकंप के बारे में बताऊंगा। हर कोई स्टेटस भी लगा रहा है भूकंप आया भूकंप आया भूकंप। अरे कैसा भूकंप आया एक बार बताओ तो सही, क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है क्या? अरे भाई भूकंप जो आ रहा है, हे भगवान ऐसा तो ना हो कि जो ये ऐसा भूकंप आ रहा है ना, मेरे तो चार भाई मतलब अंदर से फील जो आ रहा है ना, खुशी भी हो रही है जब झूल रहा हूं ना, तो अलग ही हो जा रहा है। अब मुझे नींद भी नहीं आएगी रात में, सच में कह रहा हूँ, डर से नहीं, खुशी से कि एक बार और आ जाए। लेकिन यार आएगा ना, जब भी आएगा तो मतलब जो हमारी ये पृथ्वी है, इसका जो हमारा कलयुग है, ये बहुत जल्द खत्म भी हो सकता है। ये भूकंप बहुत तगड़े भूकंप आ रहे हैं हमारे ये उत्तराखंड में, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर को उत्तराखंड की से बाहर जो दिल्ली हिली है, वहां पे बहुत बड़े भूकंप आ रहे हैं, जिसमें कि लोग खड़े खड़े जो वो गिर भी जा रहे हैं। तो आप एक बार न्यूज जरूर देखें, इसको हल्के मना ले भूकंप को, और पहाड़ी स्टाइल में जो कहते हैं ना, उसको तो मैं आपको मॉर्निंग में उठने के बाद ही बताऊंगा। तो अभी मैं सोता हूँ, सो देखते हैं क्या पता रात में और भूकंप आए, और उसके साथ साथ हम जाएंगे ऊपर यमराज जी के साथ। ठीक है, ओके, अभी के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं है कि सुबह के 8 बज गए हैं। मैं कल रात जो भूकंप के चक्कर में इतनी गहरी नींद में सो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और रात भर झूलते ही रहा बस आसमान में। और उसके बाद जो भूकंप था, उसका मैं पब्लिक रिएक्शन जो कि हमारे गांव में देखते हैं क्या बोलते हैं, वहां जाते हैं, उनको पता है नहीं पता है कुछ पता नहीं है। एक कड़कती धूप आ रही है, उसके साथ साथ मैं आपको ले चलता हूँ अपने गाँव में। नमस्कार माई तो रुन कर रहे, सुना बाल काटे लेकर रुनने की। ओ मुस्कान भाई साहब, कल भूकंप आया था यार, कहीं भूकंप आया जो बताओ यार, सच में यार भूकंप आया जो बताओ। हमारे यहाँ नहीं आया, आया यार, आया आया भाई, से कुछ की बात तो सच्ची बताई थी, तेल की हो रात में की हो, बता सही रे। घर के सही में आए, सही में बताओ आज ना हमारा तो भैया बैठ ला यार, कैसी बात कर रहा है, इसको पता ही नहीं है, गहरी नींद में सोए रहता है, कहा से कुछ पता होता है, ये दुनिया में रहता है ये। हो सोने बार तक नहीं, आज बच के मीट मीट ये कर लो, मेरे को तो लागो पैस पकड़ो नहीं, मेरे को पैस ना उसे धन लो, मैं तो इसकी पकड़ लो, पकड़ लो बोल रे, धन पकड़, धन पकड़ लो मेरे कसम से, जब तक भुचाल उजल मत पकड़ लो।
ओए पहाड़ में जुगनू लुदे हैं नाव ने भेन पोर्ट भयंकर हो बैल जी तो बैल जी तो खूब आए हुए हो बैल जी तो मोशन माय दे रात मेरे को मिले उन्होंने मोशन का समझ बैल जी हिलिना मेरे बैठ तो भयंकर तरीके से हिलचे मैं बाहर आई हूं बाहर आ एक बैच बस 57 मिनट है खाट में 10 ही सके हो रे चिटकन खड़गन पड़ गया मेरे को हाल चिटकन मेरा अल्लाह लगा उतर ले दो खाट चोल मतलब पैंस पकड़ी मतलब ठीक ठाक हूँ मतलब बाहर निकल कुनी कुड़ी है अच्छा कुड़ी बाहर निकल कुनी बाहर के निकल कुनी में मतलब सब अलग अलग कहावत आज है पच्चीस दिख गए एक झटके आशे हल्को बिल्कुल नाक बराबरी ना बराबर भाई नाक बराबर खड़कर 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 के ना पोर कसा पोर जो 9 तारीख आ रही भयंकर है अभी रात 9 बजे पोर कसा आगल 9 तारीख कसा रेसियो की पत्चल से अच्छा सो दोस्तों आपने देखा होगा जो की हमारे घूमे जो भूकंप आज उतक उन्होंने चौल आ गो वीडियो में आने के लिए कोई तैयारी नहीं है सब चुपके से बनाई है ये वीडियो पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ तो मना कर रहे हैं शर्मा रहे हैं पता नहीं क्या है गांव में तभी मुझे पब्लिक रिएक्शन करने में जो गांव का है उसे मज़ा नहीं आता है मुझे क्योंकि कोई वीडियो में आने के लिए तैयारी नहीं होता है तो मैं वैसे ही बताऊँ कि मैंने पता किया बहुत सारे लोग कह रहे हैं किसी को पता चला कोई अपनी नींद में खोया है पता नहीं किसी को पता ही नहीं है इतना बड़ा भयंकर भूचाल आने के बावजूद भी जो भूकंप आया और उसे हमर पहाड़ में जो कुनौन उधर कुनौन चौल आ रो और मैं कुनौन बल बाहर का कोई कुनौन बाहर का भीतर है मकान टूट सकते कोई कुनौन कई बड़ी चीज का पकड़ा शुभ मानी जा इतनी बनना यह बात के ना कह सकना आप तुम को वीडियो में उन्हें तैयार छन्ना तो यही वीडियो में अपन भरपूर आनंद ली तो फिर बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।